वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है तनाव मुक्त भारत अभियान यह प्रोग्राम में। और सभी हमारे भाई लोग मौजूद है, प्रेमी लोग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस, अखिलेश जी तिवारी, नैना जैन, गुड इवनिंग, वेलकम, नवीन बंगलोर, वेलकम वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, अंजलि, नैना, नितिन बर्डे, यस, और बताइए। तो हम शुरू करते हैं प्रवीण जी वर्मा। यस, प्रवीण जी को ये करो होस्ट, प्रवीण जी वर्मा होस्ट कर सकते हैं आप उनको। यस, हाँ जी, हाँ यस। तो मैं खड़ा नहीं कह लेगा, अनम्यूट कहलाएगा। हाँ यस, प्रवीण जी आपको होस्ट किया हुआ है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ठीक है सर। हाँ, यस। आज हम बात करने वाले हैं कि पांच कानून सुखी और आनंदी वैवाहिक जीवन के लिए क्या है, जिससे हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। हर एक चाहता है कि मेरा जीवन सुखी, खुश, आनंदी रहे, मजे में रहे, शांत का रहे, और उसके लिए पांच कानून कौन से हैं वो हम आज बात करने वाले हैं। तो वो मैं उसके तरफ ले जाने के पहले किसी को बोलने का मौका देता हूं, किसको बोलना है, किसको शेयर करना है। पिछले सेशन में से, जो पिछले सेशन में थे, उसमें से उनको क्या मिला, क्या समझा, क्या जाना, क्या पहचाना। अमित कुशवाहा, पौंज हूँ। यस, हाथ ऊपर कर सकते हैं जिसको पूछना है, बात करना है तो। यस, नितिन बर्डे, आपका हाथ ऊपर है, बोलिए। आप हाथ ऊपर कर सकते हैं जिसको बोलना है तो। और हाँ टॉपिक जो है ना, सर, उसको रिलेटेड पूछिएगा, जो टॉपिक चले उसको रिलेटेड पूछना है। यस बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने जो आज का विषय चुना वो बहुत अच्छा है। और आज सुबह का भी मैंने आपका सेमिनार था सुबह का, वो भी ज्वाइन किया था जादू का। हाँ आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। वेलकम। सुबह जल्दी उठकर, इतनी जल्दी यस, उठकर लोगों के लिए इतना करना ये जमाने में कोई नहीं करता सर। थैंक यू वेरी मच। दुनिया में इतने सारे डॉक्टर हैं सर, लेकिन कोई नहीं करता, आप करते। हाँ ओके, अभी मैं चालू करता हूँ, शुरू करता हूँ। यस प्रमिला जी, धन्यवाद, सर, थैंक यू वेरी मच, आप आए, थैंक यू। हमारे जो हरदम के लोग हैं वो आ रहे हैं तो ठीक लगता है ना। ओके, तो मैं पांच कानून आपको बताने वाला हूँ। कौन से पांच कानून है कि जो सुखी और आनंदी जीवन के लिए है, पांच कानून। उसमें का पहला कानून जो है, फर्स्ट नियम जो है, वो जैसा मराठी जिनको आती है, मैं पहले मराठी में बोलता हूँ, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। वो है कि ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे। पहला कानून है ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे। इसका हाँ मतलब सर, ये है कि लोगों का सुनो, लोगों का सुनो, मगर करो अपने मन का, करो अपने अंतर्मन का, अपने को जो पट्टा है वो करो, है ना। ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे, मतलब लोगों का सुनो। हो सकता है कि काफी बार आपको ऐसा होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, लगता है करूं कि नहीं करूं, हाँ ना, ये करूं कि वो करूं। बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि करना क्या भाई, इसमें क्या किया जाए, ऐसा हमको लगता है, डिसीजन नहीं ले पाते। फिर आप क्या कर सकते हैं उस समय, कि एक तो आप लिख सकते हैं कि ये मैंने ऐसा डिसीजन लिया, तो इसमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ऐसा डिसीजन लिया तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आप लिख के रख सकते हैं। और लिख के फिर उसका प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं कि भाई कितने ज्यादा फायदे है कि नुकसान ज्यादा है, एक हो सकता है। दूसरा, ऐसे समय आप किसी एक्सपर्ट को पूछ सकते हैं जो वो फील्ड का एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट वो फील्ड का हो। हम क्या करते हैं, हम भलते को ही पूछते हैं। मतलब कैसा है कि आपको, यदि आपके घर में समझो प्रॉब्लम हो गया कुछ, है ना, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है,
और आपका और समझो नैना, मैं आपको आपको बता रहा हूँ है ना नैना, कि भाई आपका और आपका हस्बैंड से कुछ अनबन हो गई। हाँ होती नहीं है, मुझे मालूम है कि होती नहीं है, मगर अनबन हो गई। तो आप क्या करेंगे मालूम है क्या, आप पूछेंगे प्रमिला को फोन करके, प्रमिला ये ऐसा ऐसा हो गया मैं क्या करूँ। अभी प्रमिला तो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, प्रमिला अपना व्यू बताएंगी, कुछ तो भी एक सलाह देंगी, और फिर वो मान के अपन कुछ तो भी कर लेंगे। तो आपको यदि ऐसा कुछ हो गया तो आपको एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। आपको बच्चों को एजुकेशन के लिए डालना है, उनसे विषय में डालना है, क्या टॉपिक लेना है, उन्होंने आगे फ्यूचर क्या करना है, उसमें जो एक्सपर्ट है उसमें उसको आपने पूछना चाहिए। आप मेरे को आगे पूछेंगे तो मैं कुछ बोल सकता नहीं, और कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, कुछ अनबन होती है तो आप मेरे को पूछो। तो वो स्पेशलिस्ट जो फील्ड का जो होता है ना, उसको आपने पूछना चाहिए, और फिर सब लोगों को, दो तीन लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को पूछ के फिर ऐकावे जनाचे आणि करावे मनाचे, मतलब लोगों का सुनो और जो भी आपको मन को लगता है, अपने अंतर्मन की आवाज जो है वो अंतर्मन की आवाज से करना है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ फिर आप थोड़ा विचार कर सकते हैं, प्लस माइनस पॉइंट देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट देख सकते हैं, और फाइनली अपने अंदर की आवाज जो है, अपने को जो पट्टा है वही निर्णय आपने करना है, फिर जो होगा वो। एक बार निर्णय ले लिया बाद में मुकरना नहीं है, बाद में फिर नुकसान नफा फिर देख लेंगे जो होगा वो। यह पहला कानून। इसके बारे में किसको कुछ बोलना है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, इसको कुछ शेयर करना है, हम क्या इंटरेक्शन में सेशन करते हैं, तो ये पॉइंट के ऊपर किसको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। यस नैना, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मौका मतलब प्रॉम्प्ट भेजता हूँ, बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ सर, मुझे ये बोलना था, मीन्स मैंने उस दिन आपसे बात शेयर की थी, जो शादी हुआ था लड़की का, तो उसमें सर किसी दो तीन लोगों को पूछा, मीन्स जो बड़े हैं, एज से बड़े हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो पूछा तो किसी ने कहा कि अभी पैचअप करवा दो और भेज दो, क्या अभी शादी तोड़ने में कुछ मजा नहीं, अच्छा नहीं, और केस भी करोगे तो फिर वो बाद में तुमको प्रॉब्लम होएगा, वो केस का सॉल्व होएगा नहीं, बहुत टाइम चलेगा, फिर लड़की का लाइफ खराब, ये सब बहुत लोगों ने कुछ अलग अलग अपने डिसीजन लिए सर। और किसी ने बोला कि जो शादी का खर्चा होगा वो लड़के वाले देने के लिए तैयार है, जो भी 5-10 लाख रुपए जो भी होएगा उसका, मतलब खर्चा जितना होगा शादी का 5 लाख 6 लाख, तो वो उसको दे देंगे और वो सब मतलब खत्म कर देंगे मैटर। लेकिन मैंने पूछा, मेरा दिल का ये सब बात है सर, मैं मेरे माइंड से ये बोलती हूँ, लड़की उन लोगों ने फ्रॉड किया, झूठ बोला, लड़की की जिंदगी खराब हो गई है, जो रिस्पेक्ट उसको जब वो कुंवारी थी तभी मिलती थी, अभी वो रिस्पेक्ट उसको समाज नहीं देगा, अपना समाज कैसा है वो हमें पता है, नहीं मिलेगा। तो अभी क्या, उस लड़की का 3 महीना आप घर पे रखते हो उस लड़की को, बाद में बोलते हो कि पैसा आपका जितना शादी का लगा है वो खर्चा ले लो और लड़की को लेके जाओ, ये क्या खाने का काम है? आप किसी की लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मेरा बच्चा पागल है, शादी के बाद सुधर जाएगा? शादी कोई मैजिक नहीं है कि शादी करने के बाद बच्चा सुधर जाता है और वो फिर वो अपनी जिम्मेदारी लेता है और अपना घर चलाता है, ये तो नहीं है ना ये सब चीजें। वो कमाता भी नहीं, वो कुछ काम करने को जाता है तो चक्कर आती है, फिर दुखता है, घर पे आके बैठ जाता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को नहीं रखने का लड़की को। अभी ये टॉपिक का अपना चल रहा ना, उसमें बताओ जरा। हाँ तो सर मैं वही मैं बोली, सबका सुन लिया और मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कोर्ट में केस डालूंगी उसके ऊपर, ये मेरा डिसीजन है सर खुद का, मैं केस डालूंगी और फिर बाद में आगे का फिर मेरा लॉस होएगा तो भी चलेगा, फायदा होगा तो भी चलेगा, मैंने अपना ठाम ले लिया है। मैंने एक प्रस्ताव उनके पास रखा है, मेरे को इतना इतना अमाउंट का आप देते हो, मेरा जो भी पहले से स्टार्टिंग का जो भी खर्चा लगा है उतना अमाउंट अगर आप देते हो तो मैं ना कोर्ट में जाऊंगी ना कोई पंचायत बिठाऊंगी, अगर इसमें हाँ। राजी है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कोर्ट में चली जाऊंगी, मैंने तो उनको क्लियर बोल दिया है। गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। यस, तो पहला जो मैंने कानून बताया आपको, पहला कानून है कि लोगों का सुनो मगर करो अपने मन का, अपना अंतर्मन जो बोलता है, अंतर्मन की आवाज जो है उसकी सुनो जो वो बोलता है, नंबर एक। नंबर दो, सेकंड कानून वो है कि कोई भी एक्शन जो है उसको देरी मत करो, कोई भी एक्शन को देरी मत करो, आपको एक्शन लेना है ना तो फिर देरी मत करो, एक्शन ले लो। कोई भी जो एक्शन है वो फटाफट लेना चाहिए, ज्यादा टाइम खर्चा नहीं करना चाहिए,
मतलब क्या करते हैं लोग, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। जैसा मैंने आज सवेरे के सेशन में बताया, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब चीजें आगे ढकेलना, या क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम मतलब कल करेंगे, बाद में करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, आज नहीं, ऐसा मतलब एक्शन लेंगे नहीं और आगे आगे ढकेलते जाएंगे। जो एक्शन लेता है उसको ही सक्सेस मिलता है। बोले हो सकता है कि 10 एक्शन लेंगे 9 फेल हो जाएंगी, एक तो निकलेंगी जिसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो जो एक्शन लेता ही नहीं है उसको तो एक भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, उसको तो बैठना ही पड़ेगा वैसा। तो आपको एक्शन लेने की है, और कोई भी एक्शन विचार करने के बाद में, सोच समझ के बाद में फिर एक्शन लेने की है ना, तो फिर आपको फायदा होगा। हम क्या करते हैं, हम कारण देते हैं और एक्शन लेते नहीं है ना, कारण देते और एक्शन लेते नहीं है। मैंने हमारे असिस्टेंट है उसको बोला कि भाई मैंने तेरे को वो कंपनी सेक्रेटरी की तरफ जाने के लिए बोला था, और वहां जाने के बाद में वो कागज के ऊपर सही लाने की थी, वो काम किया क्या? वो क्या बोलता है, बोलता है कि मैं गया था मगर वो वहां मिले नहीं, मगर वो वहां मिले नहीं, और वो वापस चले आए और शाम तक मुझे बोला भी नहीं, वो मिले नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब हम इस तरह का ये करते हैं, टाइम पास करेंगे, आगे ढक लेंगे, काम नहीं करेंगे और एक्शन लेंगे नहीं। एक्शन जो है वो कारण नहीं देना है कि वो मिला नहीं, वो मिला नहीं ठीक है, बाद में जाओ, 15 मिनट बाद में जाओ, फोन करो, वो कहाँ है पूछो, उसको बोलना तुम ऑफिस में कब आ रहे, कब सही देंगे, मैं यहाँ बैठा हूं। मतलब उसका आखिरी तक निकाल देना जरूरी है कि आखिरी तक जाओ उसमें, और आखिरी तक जाके काम करो, काम पूरा करना जरूरी है। तो और काम पूरा करो, और नहीं होता है तो कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ो। चाइनीज कहावत है ऐसी, एक चीनी कहावत है कि भाई आपको 1000 मील का सफर करना है, पार करना है, तो आपको एक एक स्टेप से ही करना पड़ेगा, और एक स्टेप डालना तो जरूरी है। आप डालोगे नहीं एक्स्ट्रा, बोलोगे बाप रे 1000 मील, कब जाऊंगा, कब चालू होऊंगा, कैसा होऊंगा, ऐसा करेंगे तो फिर तो होगा ही नहीं। तो एक एक स्टेप डाल के होऊंगा, और उसके लिए पहली स्टेप लेना जरूरी है। तो टेक फर्स्ट स्टेप, एक स्टेप ले लो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो धीरे 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 होगा ही ना सफर पूरा कंप्लीट। आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं, हमारा जो मकान है यहाँ, तो यहाँ से समझो मुझे सिंधी कॉलोनी जाना है, सिंधी कॉलोनी। अब सिंधी कॉलोनी जाना है तो वहां बीच में 5 हमारे रेड लाइट सिग्नल आते हैं, 5 रेड लाइट के सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल आते हैं। अब मैंने बोला कि नहीं नहीं ये सब सिग्नल जब ग्रीन रहेंगे ना तो मैं घर से निकलूंगा, तो ऐसा कैसा होगा, संभव ही नहीं है, मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। चौक पे रेड सिग्नल आएगा, चलो रोक देंगे गाड़ी, फिर देखेंगे ग्रीन हो गया क्या, चलो आगे बढ़ो, फिर आगे जाएंगे, फिर रेड है क्या, रुको नहीं है, ग्रीन है, चलो आगे बढ़ो। एक एक हर्डल पार करते 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 अपने को आगे जाना पड़ेगा। तो ये सेकंड, इसके बारे में किसको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, समझा नहीं समझा, जाना पहचाना। यस, ये इंटरेक्शन करो, आपके जीवन में देखो अप्लाई करके, कि आप आपके जीवन में ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और ये नहीं करते होंगे तो क्या नुकसान हो रहा है, वो देखो आपका लाइफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सर जैसा एक मैं बोलना चाहता हूँ, जैसा अपन अभी कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रात के टाइम अपने को कार में जाना है, समझ लो कि यहाँ से मुझे पुणे जाना है, अब यहाँ से पुणे तक तो पूरा रोड पर तो अंधेरा ही रहने वाला है, और अपने कार के लाइट जो है वो 10 से 20 मीटर तक का ही दिखा सकते हैं, पर उस लाइट के थ्रू ही आगे आगे अपन एक 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 टप्पा पार करते करते पुणे पहुंच जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अपना लाइट ठेठ एकदम 2 किलोमीटर जा रहा है अपने को सब दिख रहा है, पर अपने को 10-20 मीटर का ही दिखेगा, और उससे ही अपन आगे आगे पास होते जाएंगे। तो मतलब कुछ हर्डल आए भी तो उसको मतलब अपने को पार करते हुए आगे आगे निकलते जाना है। बराबर, तो निगोशिएशन करते जाना है, निगोशिएट करते जाना है, जो हर्डल आ गया निगोशिएट करते जाना है तो वो हो जाएगा। यस प्रमिला जी बोलिए, कुछ बोलना है आपको? हाँ नहीं, आपको अनम्यूट करना, आपका सुनाई नहीं आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है।
वही ऐकावे जना चे करावे मना चे, ये तो सही बात है कि लोग जो बोलेंगे उसको सुनना है और मन, अपने मन से ही करना है, मन की जो है बात है वही सुन के करना है। और डिसीजन मेकिंग पावर जो है, मतलब जो बोलते कि फास्ट जो डिसीजन लेता है, हाँ कभी कभी उसको नुकसान भी होता है फायदा भी होता है, लेकिन डिसीजन लेने लेना चाहिए। और वो मतलब ऐसे उसको ये करने से अच्छा है कि ले लो डिसीजन, लो भी जो भी लेना है। तो ये बताओ कि आपके लाइफ में आपने कब डिसीजन जल्दी लिया और आपको फायदा हो गया या नहीं लिया करके नुकसान हो गया? मैंने मेरे पास तो इतने एग्जांपल है कि मैंने जिंदगी में जो भी डिसीजन लिए ना फास्टली लिए, कभी भी ऐसे और यहाँ नहीं लिए वहां नुकसान हो गया, ऐसा कुछ हो गया? देखो नहीं, ज्यादातर मैं लेती हूँ इंस्टेंट ही डिसीजन लेती हूँ और फायदा ही होता है मेरा। कभी कभी एक आधी बार नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं, जरूर नहीं कि हर बार फायदा ही होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन फिर उसका बुरा नहीं लगता क्योंकि मैंने डिसीजन लिया तो है कुछ, तो उसको बुरा नहीं लगता है। लेकिन डिसीजन बहुत सारे ऐसे डिसीजन है कि जिसका मुझे फायदा हुआ, मैंने डिसीजन ले, मैं मेरे बच्चे को भी बोलती हूँ कि अगर लेना है तो लो, कुछ तो भी करो डिसीजन, हो चाहे एक आधी बार गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, लेकिन अगर लेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। बराबर है, हाँ राइट, गुड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यस यस, और कोई? हाँ, अमित कुशवाहा बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर कहना चाहता हूँ, जैसे कई बार हम डिसीजन लेते हैं, होता क्या है कि हम स्टेप ले लेते हैं बट उस टाइम के बाद वो चीज हम करना छोड़ देते हैं बीच में, या फिर वो डिले हो जाती है, तो उसे दोबारा से कंटिन्यू कैसे करें? देखो, दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए ऐसा है कि अपने आप को पूछो कि मैंने जब शुरू किया था तो मैंने क्यों शुरू किया था। हाँ सर, जैसे मेरा एग्जांपल है, हम बहुत साल से हम वो बनाते हैं प्लान, डिसाइड करते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे वॉक के लिए या फिर कुछ एक्सरसाइज करेंगे, बट वो 2-4 दिन स्टार्टिंग में होता है, बट उसके बाद वो 2-4 दिन अगर बीच में 1-2 दिन छोड़ दें फिर वो कंटिन्यू, फिर वो परमानेंट बंद हो जाता है। मतलब ये अक्सर होता है, बहुत सालों से हो रहा है, मतलब बराबर है ना। वो डिसीजन के ऊपर पक्के होते नहीं है, आप अलार्म लगाते हो, कितने का अलार्म लगाते हैं? पहले 5 का लगाते, फिर वो 5:30 हो जाता है, 5:30 हो जाता है। तो 5 का अलार्म जब लगाते हैं उठने का, है ना, तो 5 का अलार्म लगाने के पहले वो हमारा जो अंतर्मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत ही हरामी है। वो इतना हरामी है कि वो 5 का अलार्म बजने के पहले ही तैयार रहता है, वो उठ के तैयार है। जैसा अलार्म बज जाता है तो वो तुम्हारा अंतर्मन क्या बोलता, बेटा अमित आज के दिन रहने दे। हाँ सर, यही होता है, आज के दिन रहने दे, तू कल से चालू कर। आज वैसे भी बहुत ज्यादा ठंडी है ना, बहुत ठंड है, और तू ऐसा भी रात को बहुत लेट सोया हुआ था, है ना, ज्यादा नींद भी नहीं हुई, अभी इतनी नींद आ रही है, एक दिन तू नहीं गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? बेटा अमित आज के दिन जान दे, अभी अपन कल से पक्का अपन जाएंगे, तू कल से पक्का जाएगा, ऐसा कौन बोलेगा? कौन बोलता है ये? हाँ, अंतर्मन बोलता है, आपने बोलते, आपका अंतर्मन बोलता है। और फिर वो भी ये भी बोलता है, वो बाजू वाला मोटिया कितना मोटिया था, रोज जाता था घूमने के लिए, रोज एक्सरसाइज करता था और हार्ट अटैक आया, गया, क्या फायदा हो गया? वैसे अपना वजन तो बहुत कम है, वो अपन मोटे नहीं है, नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है, सो जाएंगे। तो क्या है कि आपको आपके शब्द की कीमत नहीं, आप अपने जबान को कीमत देते नहीं, आपके लिए अपना शब्द जो है ना वो चीप है, वो सस्ता है, आपने आपका शब्द वो सस्ता करके रखा हुआ है। आप अपने अंतर्मन को, अपने आप को शब्द देते हैं कि मैं कल सवेरे उठूंगा, और वो शब्द का पालन करते नहीं है आप, वो शब्द को कोई कीमत देते नहीं, तो आप अपने आप को कीमत देते नहीं है, लोग आपको क्या कीमत देंगे? और फिर आप बोलते, देखो लोग मेरे को पूछते नहीं, लोग मेरे को कीमत देते नहीं। अरे भाई, आप नहीं देते आपको कीमत, आप भी तो देते नहीं हो कीमत, आप भी तो अपने जो ठहराया उसका पालन नहीं करते, तो लोग क्या कीमत देंगे आप? तो आज से क्या करना है, आपने वचन का पालन करो, जो भी वचन है तो वचन दो ही मत, क्या करो वचन देते रोज, बोलो कि नहीं मैं कल सुबह 8 बजे उठूंगा, मेरे को एक्सरसाइज कुछ करना नहीं है, भाड़ में
मुझे कुछ करना नहीं है, मैं उठूंगा 8 बजे, सोऊंगा 10 घंटे, मेरी जिंदगी की भाड़, मेरे कुछ करना ही नहीं जाना। कम से कम प्रामाणिकता है, कम से कम प्रामाणिक तो है आप अपने आप से। नहीं तो 5 का अलार्म लगाते, 6 बजे उठते, और फिर सर यही होता है, अपराध बोध की भावना होती है, गिल्टी लगता है, क्या साला मेरा ऐसे ही छे, मैं सोचता हूँ उठता नहीं हूँ, मेरा ऐसे ही कैसा है, फिर अपने आप को कोसते रहते। उसे अच्छा बोलो मैं 8 बजे उठूंगा, मेरे को कुछ एक्सरसाइज करना नहीं है, कुछ करना नहीं, मेरा कोई कमिटमेंट नहीं मेरे हेल्थ के प्रति। बोलो ऐसा मतलब 100 शर्ट खाओ पियो, जो होगा आऊंगा। नहीं क्या? हाँ सर बिल्कुल, जो होगा आऊंगा, देख लेंगे ना क्या फर्क। नहीं नहीं सर, होता क्या है ना सर, डिसीजन जब हम लेते हैं तो उस टाइम तो बहुत सीरियस होते हैं। आप डिसीजन ले लो ना, हाँ आप ये डिसीजन ले लो कि मेरे को 8 बजे उठना है, मेरे को नहीं उठना 5-6 बजे, मैं कोई कमिटमेंट नहीं। कम से कम प्रामाणिकता तो रहेगी, कम से कम वो डिसीजन तो पक्का होगा कि 8 बजे बोलना 8 बजे उठूंगा ना, 8 बजे तो उठे, तू बोलना 5 बजे उठे, रोज आपको मारना। बट सर वो फैमिली का भी प्रेशर होता है ना कि मॉर्निंग में जल्दी उठो। क्या प्रेशर है, दबाते क्या आके आप? नहीं नहीं नहीं, वो बोलते हैं ना कि सारे लोग सुबह उठ रहे हैं, बोलते मेरे को नहीं उठना, बोलना मेरे को नहीं करने का है। कम से कम अपना इज्जत तो रहेगी कि अपन अपना बॉस है भाई, नहीं करेंगे, कम से कम गिल्टी तो नहीं लगेगा, है ना? हाँ सर, समझ रहे? तो नहीं तो फिर आप वचन का पालन करो, वचन का पालन करो। और फिर दूसरा दूसरा क्या करना है मालूम है क्या? आपके पास में नोट है, अभी जब आप जेब में नोट है, जेब में नोट है, नोट करेंसी नोट। हाँ सर पड़ा है, पड़ा है ना, निकालो उसको। हाँ। बाहर कितने रुपए की नोट है? ये है, सॉरी सर, ये है 100 का, 100 की है ना, तो ऐसा 100 की नोट है ना, तो 500 की भी होंगी, है ना? जैसे सवेरे समझो आपने 5 का अलार्म लगाया, रात को सोने के समय बोला 5 बजे उठूंगा, फिर 5 का 6 बजे उठा या 7 बजे उठे, तो क्या करना है, ये नोट लेना है 100 की, और नोट लेके उसको या ऐसा उसको फाड़ देने का है और फेंक देने का, कुछ नहीं करने का, बस आगे कुछ करना नहीं। फिर दूसरे दिन क्या करना है, वही करना है, 5 बजे का अलार्म लगाना, उठे तो ठीक है, नहीं उठे तो फिर 100 की नोट लेना है, फिर कुछ नहीं बोलने का है, बात कुछ भी नहीं करना है, फिर डाल देने का है, टुकड़े टुकड़े करके डाल देने का, कुछ नहीं अपने आप को बोलना है, कुछ बुरा लगना नहीं है, कुछ नहीं कुछ। फिर तीसरे दिन भी ऐसे ही करना है कि जब उठेंगे लेट तो फिर नोट लेना है, फिर उसको टुकड़े करना है और फाड़ के फेंक देने, कुछ नहीं करना है, करके तो देख क्या होता है, तो मालूम पड़ेगा उठता कि नहीं उठता। करके तो देखो, करके तो देखो, करके तो देखो उठता कि नहीं उठता, करके देखो ना उठता कि नहीं उठता। इतना ही है कि नहीं उठे तो नोट फाड़ के फेंक देने का, लॉस हो गया तो हो गया, क्योंकि अपने जबान नहीं अपन पालन कर रहे हैं तो उसका पनिशमेंट होना चाहिए ना, तो पनिशमेंट है, पनिशमेंट ले लो, नोट फाड़ के फेंक दो 500 की, 100 की भी फाड़ते चलता है, 300-400 रुपए में काम हो जाएगा, 300-400 रुपए में उठना चालू कर देंगे सवेरे, 400-500 रुपए का काम, ज्यादा नहीं लगेगा, करेंगे? हाँ सर ट्राई करेंगे। ट्राई मत करो, हाँ कि ना? हाँ सर करेंगे, बस करो, नोट फाड़ना है बस, जो शब्द बोला वो शब्द का पालन नहीं किया तो नोट फाड़ने का है, तो कि नोट फाड़ देने, ये तो शब्द मत दो, कम से कम प्रामाणिक तो रहेंगे अपने आप से। यस सर, हाँ बोलना, जो होगा होगा लाइफ का, 9 बजे उठो ना, क्या प्रॉब्लम है, मगर ये रोज बोलना कि मैं उठूंगा, फिर उठने का नहीं है ना, क्या को ऐसा करने। कहां से आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से, तो अभी करेंगे ये पक्का? हाँ सर, हाँ हाँ, तो उठना चालू हो जाएगा, एक तो नोट फटेगी, 300-400 रुपए 500 रुपए लगेगी, क्या बुरा है उसमें। जी सर ठीक है, गुड, थैंक यू।
क्या होता है कि अपने अपन जब शब्द तोड़ते हैं ना, तो पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि रहते थे, ऋषि मुनि हम बोलते थे उनको, वाचा सिद्धि है, वाचा सिद्धि। वाचा सिद्धि मतलब जो बोलते वो सच हो जाता, वो जो बोलते थे ऋषि मुनि जो बोलते थे वो सच हो जाता। तो क्यों होता था वो सच? क्योंकि उनको वाचा सिद्धि प्राप्त थी, और वो सिद्धि आपको लाना है तो जो बोलना वो करने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। जो बोला वो ही करता है, जो बोलेगा ना उठूंगा तो उठेगा ही, कितना पक्का है, एक बार जबान दे दिया तो बस खलास। और वो क्या करते थे ऋषि, समझो उन्होंने जो बोला वो किया नहीं, तो जैसे वो हिमालय में जाके करते थे, हिमालय में जाके तपश्चर्या करते थे, तो हिमालय में कितनी ठंड होती है, तो वो धबधबा जब रहता है तो समझो अपने जबान का पालन नहीं किया, तो धबधबे के ठंडे गार पानी, पहली ठंडी है और वो ठंडा पानी, और उसके नीचे खड़े रहना एक घंटा, बाप रे इतना ठंडा, पनिशमेंट, जबान का पालन नहीं किया तो सारा झगड़ उठना ही पड़ता, जो बोला वो करना ही पड़ता, शब्द तोड़ा। जो भी शब्द देंगे, आपने शब्द दिया कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आपने शब्द दिया कि मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा या सिगरेट नहीं पीऊंगा या शराब नहीं पीऊंगा या ये करूंगा, आपकी शादी हुई है, शादी नहीं हुई, आप अनम्यूट कर लो। ये अनम्यूट करो। हो गया सर। हाँ, शादी नहीं हुई ना, तो आप देखो अभी कि आपने शब्द कहाँ कहाँ तोड़े हुए हैं। इसके साथ में शब्द तोड़ा है, माँ बाप के साथ में कहाँ का शब्द, भाई के साथ में, लोगों के साथ में, दोस्त के साथ में कहाँ का शब्द तोड़ा है। हाँ, बहुत बार होंगे, हर फील्ड में कमिटमेंट तोड़ी है। हाँ, हर कमिटमेंट तोड़ा है, तो फिर लोग क्या करते हैं आपको, लोग बोलते कि ये भरोसे का आदमी नहीं है, भरोसे वाला नहीं है। देखो अभी ये ऐसा करेंगे तो आप कितना सफलता प्राप्त करेंगे, तो चालू करना है अपने आप से, सुबह उठना चालू, जितने समय बोला उतने समय उठने का। तीसरा अच्छा पॉइंट हम लेंगे। हाँ बोलिए। अच्छा, मॉर्निंग में तो जल्दी उठ जाएंगे, बट रात में अगर लेट सोते हैं तो उसका क्या करेंगे? नहीं, जो बोला वो करो। रात में लेट सोते तो बोलो मैं 9 बजे उठूंगा, 10 बजे उठूंगा। मैं कभी कभी आता हूँ ना लेट, 2 बजे आता हूँ, 3 बजे आता हूँ, समझो कहीं बाहर गांव से प्रोग्राम से आए या कार से आ रहे, 3 बजे आ गए, तो मैं 10 का अलार्म लगाता हूँ सवेरे 10 बजे। मैं बोलता नहीं मैं उठूंगा, 10 बजे का अलार्म लगाता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, तो मालूम है मेरे को नींद मेरे को होना भाई पूरी पक्की, 3 बजे सोए तो 10 बजे उठना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है? अभी हमारा सुबह आते हैं हम क्लास, आप आते हैं हमारे क्लास में सवेरे के? नहीं सर, सुबह के मिस हुए, मतलब अभी ज्वाइन किया था सवेरे, सुबह का नहीं कर पाएंगे। हाँ, सुबह का जो हम उठ करते हैं, मैं 3-3 अलार्म लगा के लगता हूँ, 3 अलार्म, तो मेरे को कोई कारण से नींद नहीं खुली तो, है ना, एक अलार्म बज के भूल गया तो, कभी कभी क्या होता है मोबाइल साइलेंट पर रहता है, रात का प्रोग्राम है, मोबाइल साइलेंट पे है, और साइलेंट पे रह गया तो अलार्म भी नहीं बजेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं 3-3 अलार्म लगा के रख, ये मोबाइल है तो वो मोबाइल बजेगा, मतलब शब्द टूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, एक तो पनिशमेंट लेना चालू करो, 100-100 की नोट फाड़ो, ये तो शब्द मत दो, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि टाइम इज मनी, समय बहुत कीमती है, और समय कीमती है तो समय अपन ने वेस्ट नहीं करना, जैसे पैसा हम वेस्ट नहीं करते हैं, पैसा हम कहीं भी डाल देंगे नहीं, पैसा वेस्ट करते हैं वैसा हम बहुत, मतलब फालतू खर्चा करेंगे वो बात अलग है, मगर ऐसा कोई कचरे में डालेंगे नहीं पैसा, हम टाइम जो है ना उसको कचरे में डाल देते, टाइम को कहीं भी डाल देंगे, वेस्ट करेंगे, कैसा, फेसबुक देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, टीवी देखेंगे, फालतू मूवी देखेंगे, पजल छुड़वाएंगे फालतू के टाइम पे, दो दो चार चार घंटे। हमने ये देखा हुआ है कि एवरेज भारतीय जो है वो एवरेज भारतीय 4 घंटा समय बिताता है मोबाइल के ऊपर या ऑनलाइन अलग अलग ऐप्स के ऊपर, 4 घंटा इतना टाइम वेस्ट करते हैं। इलॉन मस्क जो अभी सबसे अमीर आदमी कहा जाता है दुनिया का, उसके पास में भी 24 घंटे है और आपके पास में भी 24 घंटे है, कोई आप ज्यादा
पैसा खरीद के टाइम ले सकता नहीं है इलॉन मस्क, अब भी 24 घंटे है, मगर वो इलॉन मस्क बना, इतना बड़ा आदमी बना, आप वैसे के वैसे रहेंगे क्योंकि उसके लिए टाइम इज मनी है। ये तीसरा पॉइंट है। तो ये अभी तक हमने जो चर्चा किया इसमें से आपको क्या समझ में आ गया? खंबाला, जयेश खंबाला बोलो, अनम्यूट करो, जयेश खंबाला। जयेश खंबाला अनम्यूट करो। हेलो सर। यस, वीडियो चालू करो, वीडियो वीडियो चालू करो। हेलो सर। यस हाँ सर, मेरे प्रॉब्लम है कि जो मैं पुरानी यादों पुराने भूतकाल में मैंने जो गलती होती है गलती वो मुझे प्रेजेंट में बार बार याद आती है और बहुत परेशान करते है, मैं इंजॉय कर नहीं पाता प्रेजेंट को। तो पुरानी याद जो मैंने गलती की है उसको कैसे भूल जाऊं मैं जल्दी से? अभी अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें से क्या समझ में आ गया वो देखो। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं टॉपिक उसको पकड़ के चर्चा करो, है ना। तो हम और किसी को चांद देते हैं, और किसी को चांद देते हैं, है ना। सुजोग राठौड़ बोलो, तो अपन जो चर्चा कर रहे हैं ना उसको पकड़ के कुछ सवाल जवाब करो। सुजोग राठौड़। यस हाँ बोलो। हाँ सुजोग राठौड़ वीडियो चालू करो, वीडियो वीडियो ओके किया नहीं किया? रुको रुको कर रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ बोलिए, आपका हाथ ऊपर था, बोलिए। नहीं वो मैंने ऐसे ही हाथ ऊपर किया अटेंडेंस लगाने के लिए। ओके ठीक है, थैंक यू। नीचे करो उनका हाथ। यस नैना जी बोलिए। नैना आपका हाथ था ऊपर, बोलिए। अनम्यूट करो, अनम्यूट नैना, नैना को अनम्यूट करो। आवाज आवाज। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ आपने जो टाइम इज मनी का बोला है ना, तो उसमें ये समझ में आता है सर, टाइम को अगर हम इम्पोर्टेंट देते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हो सकता है। बिकॉज एक बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन था, उसने उसको पॉलिसी निकालना था, तो उसने दो एजेंट को बुलाया था पॉलिसी के लिए। तो उसने दोनों को कॉल किया और उसने जो टाइमिंग दिया है तो उसी टाइम परफेक्ट उसी टाइम पे एक बिजनेसमैन, एक पॉलिसी एजेंट पहुंच गया। वो एक छोटी कंपनी से था और दूसरा जो था वो एक सिर्फ एक मिनट लेट हुआ, एक मिनट लेट। तो उसने जो पहला जो टाइम पे पहुंचा है उसको 25 लाख का पॉलिसी दिया। और जो उसने बड़ा, फिर बाद में दूसरे एजेंट ने पूछा कि मैं तो एक ही मिनट लेट हो गया था सर, और मेरा कंपनी का ब्रांड है, इतना बड़ा नाम है, और आपने इतने छोटे कंपनी वाले को क्यों दिया? उसने बोला जो बंदा टाइम की वैल्यू करता है, अगर लाइफ में मुझे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो मेरा एजेंट है, मैं उसको कॉल करूंगा तो वो टाइम पे पहुंच के मेरी हेल्प करेगा, मुझे कैसे सबमिट करना है फॉर्म, किधर क्या। तो इसीलिए उसने वो 25 लाख का पॉलिसी उस छोटे कंपनी वाले को दिया। मीन्स ये टाइम का इम्पोर्टेंट होता है, और वो 25 लाख दूसरा बंदा खो दिया क्योंकि उसने टाइम की वैल्यू नहीं की। इसलिए टाइम इज मनी आपने प्रॉपर बोला सर। यस। इसमें दूसरा ये है कि आपको ये देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि भाई एक काम जो है वो एक व्यक्ति तुम जो आधे घंटे में करता है तो मुझे वही काम करने में एक घंटा क्यों लग रहा है? क्या मैं इतना स्लो क्यों हूं? क्या मैं फास्ट क्यों नहीं कर सकता, है ना। कोई औरतें ढाई ढाई घंटा लगाती है, 3 घंटा लगाती है खाना पकाने में, और कोई औरत 1.5 घंटे में खाना पकाती, पूरा खाना 1.5 घंटे में पका। तो क्या करता है, ऐसा क्या हो गया भाई? वो देखना पड़ेगा कि ऐसा मेरे में क्या कमी है कि भाई मैं मेरा टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ हर काम करने में। वो भी आपको देखना पड़ेगा कि मुझे टाइम ज्यादा क्यों लगता है, क्या मेरी स्पीड कम है, क्या मेरी हलचल कम है, क्या मैं स्विफ्ट नहीं हूँ, क्या मुझे वो काम करना आता नहीं बराबर इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि हम देखते कुछ लोग बहुत ज्यादा काम कर लेते, इतना सारा काम कर लेंगे, और कुछ लोग बस 3-4 काम करके दिन भर में खलास हो गया, उनका दिन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो टाइम इज मनी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी आए, 72 लोग इधर जूम के ऊपर है और 38 लोग यूट्यूब के ऊपर है, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि ये जो है ये प्रोग्राम स्ट्रेस फ्री इंडिया, ये हम हर गुरुवार को हर शनिवार को लेते हैं, लिंक हमारी सेम है,
सेम लिंक है और सेम लिंक और सेम टाइम पे ये प्रोग्राम होते रहता है, सेम लिंक और सेम टाइम। आप ये लिंक सेव करके रखो, गुरुवार और शनिवार आपके मोबाइल में डाल दो, कैलेंडर में डाल दो। हम अगले बार से चालू करने वाले एक नया प्रोग्राम हु मूड माई चीज करके एक प्रोग्राम है, उसके 10 सेशन में लूंगा। तो गुरुवार को एक सेशन, शनिवार को एक सेशन, गुरुवार को एक सेशन, शनिवार को एक सेशन, ऐसा सेशन लूंगा। और उसका एक हम एक गूगल फॉर्म भरवाएंगे, वो गूगल फॉर्म लोगों को भेज दो और गूगल फॉर्म लोगों को भर के लोगों को इसमें इन्वाइट करेंगे, ताकि लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि अपन फॉर्म भर के आए हुए हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि उसमें आपको समझ में आएगा। और उसके साथ साथ आपको ये 10 सेशन जो है वो 10 सेशन आपको आना है, टेलीग्राम ग्रुप दे दो और गूगल फॉर्म हम बनूंगे, ज्यादा बना सकते बनू, है ना। वो मूड माई चीज करके है, मेरा चीज किसने भगाया, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ये किताब है एक्चुअली, ये आपको ऑडियो बुक मिलेगी, वीडियो बुक मिलेगी, ऑडियो बुक मिलेगी, और ये आप पढ़ो। और ये मैं क्रिएट करूंगा 10 सेशन, तो आप अपने लोगों को इसमें इनवाइट कर सकते हैं, उनको बहुत फायदा होगा उनके जिंदगी में। और हमारा जो मकसद है कि स्ट्रेस फ्री इंडिया, तो डेफिनेटली लोग स्ट्रेस फ्री होंगे यदि वो बुक पढ़ते हैं, और वो बुक का जो काम बताया हुआ है होमवर्क, वो आप होमवर्क करते हैं। बुक का नेम हु मूड माई चीज डाल दिया था ना अभी वर्मा जी ने, डाला हुआ है देखो चैट बॉक्स में, हु मूड माई चीज करके है, बहुत ही बढ़िया किताब है, और वो किताब हम इसमें क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। गुड, कुमार सतीश, तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रहे, उसमें आपके दोस्तों को ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप दे रहे उसमें भी आप ज्वाइन करो लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा लोग ये प्रोग्राम का फायदा उठाए, रात वाले प्रोग्राम का। 8:15 से 9:15 तक ये प्रोग्राम चलता है। हम ऐसा सोच रहे कि ये प्रोग्राम 45 मिनट का ही करना है, मतलब 9 बजे ही खत्म करना है, मगर हम अभी जब तक पूरा नहीं हो तब तक पूरा कर लेंगे। यस, नवीन बंगलोर से, यस अच्छा सेशन है, वो मूड में चीज का अच्छा सेशन है नवीन की, अभी चल रहा है वो, अच्छा सेशन है। यस, तो हम आगे बढ़ेंगे चौथा पॉइंट। अभी तक मैंने 3 पॉइंट कवर किए, है ना, 3 पॉइंट कवर किए। पहला पॉइंट था कि लोगों की सुनो, करो अपने मन की, जो अंतर्मन बोलता है। नंबर 2, एक्शन तुरंत लो, ज्यादा टाइम सोचने में मत बिताओ। नंबर 3, टाइम इज मनी, है ना, समय मतलब बहुत कीमती है, पैसे इतना ही कीमती है, ठीक है। चौथा है कि जो आपके पास में है उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ। इसके ऊपर हम पूरा रोज सेशन चलाते हैं, थैंकफुलनेस के लिए, ग्रेटफुलनेस के लिए सेशन चलाते हैं। और सेशन ये है कि जो आपके पास में है उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ, जो है उसके प्रति आप कृतज्ञ हो जाएंगे तो आपको जो है वो ज्यादा ज्यादा मिलता जाएगा। और आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है तो जो भी आपके पास में है वो आपसे ले लिया जाएगा। तो चौथा जो कानून है, वो कानून है कि जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो। एक आदमी रो रहा था कि मेरे पास में 5,000 रुपये के जूते नहीं है, क्योंकि उसके दोस्त ने 5,000 रुपये के जूते पहने, और उसको बहुत रोना आ गया कि क्या मेरी चप्पल फटी हुई है, मेरे पास में 5,000 रुपये के जूते नहीं है, इसलिए रो रहा था। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई तेरे पास में 5,000 रुपये के जूते नहीं करके तू रो रहा है, वो सामने वाला देख भिखारी, उसके पास में तो पैर ही नहीं है, उसके पास में तो पैर ही नहीं है, क्यों चिंता करता है, आपके पास में पैर तो है, उसके पास में पैर नहीं है, उसको तो क्या दुख होता होगा। तो वो देखो कि अपंग जो है, अपंग जिसको आंख ही नहीं है, जिसको कान नहीं है, वो देखो भाई मेरे को अच्छा नौकरी नहीं है, अच्छा धंधा चल नहीं रहा है, इसलिए लोग रोते हैं। अरे देखो जिसको बेरोजगार है उसको तो रोजगार ही नहीं है। देखो जिसका धंधा ही चल नहीं रहा है, चौपट हो गया, आपका चल तो रहा है कम से कम। तो जो है उसके प्रति आप कृतज्ञ होते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हम खाना खाने बैठते हैं फिर बोलेंगे अरे ये क्या है, ये सब्जी मेरे को अच्छी नहीं लग रही, घर में किरकिरी चालू रहती है,
ये सब्जी अच्छी नहीं है, अरे ये क्या रोटी बनाई, अरे ये क्या राइस जो है वो बहुत ही गचका हो गया, पानी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ऐसे किरकिरी करेंगे। अरे वो व्यक्ति देखो जिसको खाना ही नहीं मिला, दो दिन से भूखा है वो। तो जो है उसके लिए यदि आप कृतज्ञ हो जाते हैं तो जो आपके पास में है वो आपको ज्यादा ज्यादा मिलते जाएंगे। यस, तो कुमार सतीश कुमार आपका हाथ ऊपर है, बोलिए सतीश कुमार। एक फॉर्म भर के डाल रहे हैं, तो फॉर्म भर के देंगे गूगल फॉर्म, तो हम हूं मूर मैं चीज के लिए व्हाट्सएप भी बताता हूँ मैं आपको, सेशन बना के वो डाल देंगे सब इसमें। नको कुमार, सतीश कुमार बोलो, अनम्यूट करो, बोलो सतीश कुमार, सतीश कुमार नहीं बोलना है, आपकी आवाज आ रही है नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। यस नितिन बोड़े बोलो, नितिन। हाँ सर। हाँ बोलिए। अभी नहीं, अभी आपने जो पॉइंट बताया ना ये, हाँ वो बिल्कुल सही है सर। क्या समझ में आया? अपने अभी जो पॉइंट बोला वो बिल्कुल सही है, और पहला इससे पहले जो पॉइंट बताया था वो मेरे को भी वैसा ही था। मैं डेली सोचता था सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो बोले आप, जो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है वही होता था। सेम प्रॉब्लम थी सर, कल से वही चालू करेंगे, जैसे आपने बोला 100 का नोट फाड़ने का वैसा ही चालू करेंगे कल से। फाड़ेंगे कल? हाँ फिर फाड़ेंगे, फाड़ेंगे कि नहीं फाड़ेंगे? फाड़ेंगे फाड़ेंगे कल फाड़ेंगे। फाड़ेंगे क्या मतलब, उठेंगे? हाँ? नहीं उठेंगे ना सर, फिर फाड़ने की जरूरत ही नहीं। नहीं फाड़ेंगे ना, फाड़ने जब फाड़ेंगे तब समझ में आएगा कि अपन ना लॉस हो रहा है इसकी वजह से। हाँ। ये होगा फिर। यस, ये गूगल फॉर्म डाला हुआ है, अगले गुरुवार से हम चालू करेंगे हु मूड माई चीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है वो, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं उसका व्हाट्सएप का एक ये बनाऊंगा, एक पोस्ट बनाऊंगा व्हाट्सएप की, और वो पोस्ट बना के डालूंगा। आप जितने ज्यादा लोगों को उसमें एनरोल कर सकते हैं उतने ज्यादा लोगों को उसमें एनरोल करो। और गुरुवार शनिवार हम लेंगे, 5 हफ्ते का वो कार्यक्रम चलेगा, 10 सेशन लेंगे वो, बहुत ही बढ़िया है हू मूड माय चीज। उसके लिए मतलब आप काम वो प्रोग्राम करते ना, आपका टेंशन निकल जाएगा, स्ट्रेस निकल जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएगी आप। ठीक है, ओके गुड। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग अभी बीच बीच में मुझे कुछ दिख रहे कि लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए, कि मैंने ऐसा बोला पहले कि ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, लोगों का सुनो मगर अपने अंतर्मन की आवाज जो है अपने को जो लगता वो करो, पहला कानून। दूसरा कानून है कि एक्शन तुरंत लो, एक्शन लेने में टाइम मत गमाओ, जल्दी जल्दी एक्शन लो, ये दूसरा कानून हमने बताया। तीसरा कानून हमने बताया कि टाइम इज मनी, समय जो है वो कीमती है, उसको फालतू वेस्ट मत करो, ये टाइम इज मनी, ठीक है ना। चौथा जो है जो मैंने बोला कि आपके पास में जो है उसके प्रति कृतज्ञ रहो, जो है उसके प्रति कृतज्ञ रहो, जो है उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं तो जो भी है वो आपको बढ़ता जाएगा, आपको ज्यादा ज्यादा मिल जाएगा, और जो नहीं है आपके पास में तो वो आता जाएगा, और जो आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो जो भी है वो आपसे निकल जाए। ठीक है, पांचवा पॉइंट बताता हूं, लास्ट पॉइंट है, पांचवा कानून वो ये है कि कितने भी मुश्किलें आई, कितनी भी मुसीबतें आई, कभी भी हार मानने की नहीं। ये पांचवा कानून है। तो वो इंसान है, बहुत मुसीबतें आती है, बहुत मुश्किलें आती है, बहुत तकलीफें आती है, मगर आपको हर तकलीफ, हर मुसीबत हर मुश्किलें आपको पावरफुल इंसान बना के ही तैयार करती। तो ये मुसीबत आ गई, मेरे नसीब में क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ए भगवान तूने ऐसा मेरे लिए क्या किया, अरे बोलो ये मौका है अपने आप को ताकतवर बनाने का। तो कोई भी मुसीबत आती है तो उसमें डिप्रेशन में जाने का कोई कारण नहीं है, सुसाइड करने का कोई कारण नहीं है, सुसाइड के विचार आने का कोई कारण नहीं है। जैसे अभी नैना ने शेयर किया उसके रिलेटिव का,
कभी कितनी बड़ी मुसीबत अभी उसके लिए है, वो लड़की के लिए कितने मुसीबत है, ऐसी मुसीबतें आएंगी। लाइफ जो है ना वो आपके ऊपर बहुत चैलेंजेस फेंकेगा, बहुत चैलेंजेस फेंकेगा, और वो चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपन ने पावरफुल होना है। मुसीबत को भी मुसीबत समझना ही नहीं है, मुसीबत को समझना है चैलेंज, ये चैलेंज है मेरे लिए, और ये चैलेंज को मैं उसका सामना कैसा करूं और वहां से मैं रास्ता कैसा निकालूं। तो ये जो हम करते हैं, आप हर मुश्किलों में मुश्किलों को फेस करते तो बड़े हो जाते। बोला ठीक है यार, मुसीबत आ गई, अरे ये मेरे लिए मौका है, ये तो मेरे लिए मौका है, अब मैं तो पावरफुल बनूं, ये तो मौका है मेरे लिए पावरफुल बनने का, चलो उसका सामना करेंगे, उसमें से रास्ता निकल जाएंगे। वहां एक मंत्र मैं देता हूं, वो मंत्र का उच्चारण बार बार करना है जब मुसीबत आती है तब। वो मंत्र है, लिख के लो, आपको लिखना है तो, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, मतलब ये भी समय निकल जाएगा, ये भी समय निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये समय है वो निकल जाएगा, कोई नहीं है, और समय अच्छे बुरे आते रहते हैं, और एक्चुअली समय अच्छे बुरे रहते नहीं है, हमारा देखने का नजरिया अच्छा बुरा होता है। समय जो है, मतलब जो कठिनाइयां जो है, प्रसंग जो है, वो अच्छे बुरे कभी होते नहीं, प्रसंग प्रसंग होते हैं, हम उसको अच्छा या बुरा बोलते रहते हैं कि अच्छा है ये बुरा है, जो हो गया हो गया, क्या प्रॉब्लम है। हमारा नजरिया जो है वो बदलने की जरूरत है। पोस्ट बुक नेम इन टेलीग्राम ग्रुप, हू मूड माय चीज है ना, उसका नाम है हू मूड माय चीज। मैं उसकी पोस्ट डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप में और उसकी पोस्ट व्हाट्सएप करूंगा। आप जितने लोगों को वायरल कर सकते हैं, जितने लोगों को वायरल कर सकते हैं उतने लोगों को वायरल करो, है ना, जितने लोगों को कर सकते हो उतने वायरल करो, जितने ज्यादा लोग ला सकते हैं आप उतने लाओ। अभी 81 लोग है, तो हर एक ने 10-10 लोग लाए तो 800 लोगों का ही हो जाएगा, 800 लोगों का। और ये प्रोग्राम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने ये प्रोग्राम 2 साल पहले किया था, 4 साल पहले किया था, मैंने IMA हॉल में किया था। यहाँ एक IMA हॉल करके हॉल है, कम से कम 200 की कैपेसिटी है, 4 साल पहले की बात है। तो मैंने प्रोग्राम किया था 3 घंटे का, ये पूरा एक्चुअली कार्यक्रम 3 घंटे का होता है। तो इतनी भीड़ हो गई थी, लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, लोग स्टेज पे जहां मैं खड़ा था वहां आजू बाजू में आके बैठ गए, इधर उधर जगह नहीं बैठने, हॉल में कहा इधर खड़े, वो खिड़की में बैठे, इधर बैठे उधर बैठे, इतनी भीड़ हो गई थी। दो साल मतलब जैसा कोरोना लग गया था ना, तो मैंने मेरे ख्याल से अप्रैल में मैं किया था 2020 में, बराबर है, उस समय इतने लोग आ गए, 3 घंटे का प्रोग्राम किया था मैंने। तभी अपन क्या करेंगे, वो एक प्रोग्राम 3 घंटे में सब फाड़ बोल देना, सब आपके ऊपर डालना और फिर आपने भूल जाना। इसके बदले अपन धीरे धीरे, जैसा अपन ये जादू का प्रोग्राम करते हैं वैसा धीरे 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 वो किताब करेंगे अब, आराम आराम से, आराम आराम से। तो जितने भी आपके अपलाइन है, जितने भी डाउनलाइन है, जितने भी नेटवर्किंग वाले हैं, जितने भी लोग आपके पहचान के, सबको लाओ तो सबको फायदा हो जाएंगे। ओके ठीक है, तो किसको शेयर करना है? प्रीति कांबड़े, आपको बोलना है कुछ? प्रीति, प्रीति कांबड़े बोलिए, अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ सर, आपने जो बताया कृतज्ञता, मैंने मेरे जीवन में अभी 1 month हो गया है मैं ये प्रोग्राम करती हूँ। जो मेरे कुछ पेंडिंग काम थे जो मुझे करना था लेकिन होते नहीं थे, मतलब उसको एक वे मिल गया अभी। गुड, हाँ बहुत बढ़िया। मॉर्निंग में मैं कभी उठती नहीं थी, ये प्रोग्राम के लिए मैं हर सुबह उठती हूँ अभी, उठ जाती है। हाँ। और मेरे पति के इतने रिलेशन अच्छे नहीं थे, मतलब हमारी बहस ही होती थी, बहस होती हर समय, उसमें वे नहीं निकलता था। हाँ, अभी कैसा रास्ता निकाला आपने? वे तो अभी निकल रही हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा है। बोला कि मेरे पास पति तो है। हाँ, ये नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि पति है, बहुत बड़ी बात है, पति है। हाँ, फिर बाकी सर अभी कृतज्ञता करो, उसको थैंक यू बोलो, क्या मेरे जीवन में है। और क्या मालूम है, क्या किटकिट फिटफिट होती है ना, तो मालूम पड़ता है कि पति पत्नी है करके। है ना, तो होना ही चाहिए किटकिट। और दूसरी है कि मैं करियर, मेरा थोड़ा गैप पड़ गई थी,
जो मैं करना चाहती थी वो मेरे से हो नहीं रहा था। अब मैं समय निकल के मेरे करियर के और भी जा रही हूँ, मतलब ये घर घर तो था लेकिन मुझे टाइम टाइम इज मनी ये पता नहीं था। टाइम का यूटिलाइज कैसे करना है वो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अब ऐसा लगता है ये प्रोग्राम सुन के कि नहीं मैं अब करेक्ट वे में जा रही हूँ। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यस सर, अभी जो आपने बताया ना कि कितनी भी मुश्किलें आई तो हार मानना नहीं है, तो सर इसका एक मेरे पास बहुत अच्छा वीडियो आज ही मैंने देखा, बहुत ही अच्छा वीडियो आया है सर आज, एक मैं वो ग्रुप में डालूंगा अभी अपने ग्रुप में, कि उस आदमी को हाथ जो है ना वो हाथ यहाँ से कटा हुआ है, मतलब हाथ नहीं है उसको जन्म से ही, और उसके पैर जो है छोटे छोटे एकदम, वो सिर्फ बैठ सकता है मतलब, और यहाँ तक ही उसके हाथ है, तो वो भी दिल्ली के गर्दी में थ्री व्हीलर चलाता है सर, खुद की थ्री व्हीलर चलाता है, उसका आज ही वीडियो है मेरे पास, मैं वो डालूंगा सर। बहुत मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो है कि वो कितने इसमें भी कितना खुशी से बात कर रहा है और कितना अच्छे से ड्राइविंग कर रहा है सर इतने ट्रैफिक में, वो डालूंगा सर, बहुत अच्छी वीडियो है आज। गुड, तो अभी आपका क्या प्रॉमिस है, सब लोगों का प्रॉमिस दे रहे हैं, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपका क्या प्रॉमिस है कि आप कितने लोग लाएंगे। अभी गुरुवार को हम चालू करेंगे हु मूव माय चीज, क्या उसके बारे में बताता हूं मैं आपको, कि वो चेंज के बारे में, चेंज हम क्या, हम चेंज को बहुत रेजिस्ट करते हैं, चेंज को हम बहुत रेजिस्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए, जो चल रहा है वो चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बदबू आ रही है ना तभी उठेंगे नहीं वहां से, है ना, बदबू आ रही है तभी उठेंगे नहीं, हम क्या होता है हम कंफर्टेबल बन जाते हैं, कंफर्टेबल चलता है यार जान कहाँ करते हैं, ऐसा कंफर्टेबल बन जाते हैं, तो वो कंफर्टेबल बनने से कितना नुकसान होता है, और चेंज आप कर लेते खुद को बदल देते फटाफट फटाफट तो कितना फायदा होता है उसके बारे में, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वो हम क्रिएट करेंगे। और मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप आपके घर वालों को लाओ, मतलब ये प्रोग्राम हमने पेड प्रोग्राम भी किया हुआ है, तो ये फ्री में आपको दे रहा हूँ मैं, तो इसमें जितने ज्यादा लोग आप लाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को लिंक शेयर करेंगे उतनी शेयर करो, और ये बहुत बढ़िया सबके लिए प्रोग्राम हो जाएगा। और ये देखो कि आप अपने आप को तब तक गुरुवार तक आप देखो कि आप कहाँ कहाँ चेंज नहीं कर रहे अपने आप, अपने आप को कहाँ कहाँ चेंज नहीं कर रहे, चेंज करने की जरूरत है वो चेंज नहीं कर रहे, है ना। एक आदमी जा रहा था, एक आदमी वहां, मतलब मैं वहां से, ये हमारा बाजू का चौक है वहां से जा रहा था, तो बेंच के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था, और उसके बाजू में वो वहां बेंच है रोड पे रखा हुआ है लोगों को बैठने के लिए, एक आदमी बैठा हुआ था, उसके बाजू में कुत्ता बैठा हुआ था, वो कुत्ता चिल्ला रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था कुत्ता, तो मैं उसको पूछा कि भाई ये कुत्ता चिल्ला रहा है तो क्यों चिल्ला रहा है, बोले इसलिए चिल्ला रहा है कि उसके नीचे खील है और वो उसको टोच रही है, इसलिए वो नहीं उठ रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। बोले भाई उठता क्यों नहीं फिर है, ये उठता क्यों नहीं, उसको ये टोच रहा है, तो बोले उठने से ज्यादा बैठना उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है, उठने से ज्यादा बैठना कंफर्टेबल, हमको क्या तकलीफ हो गई तभी हम चलता है, कंफर्टेबल है, उठना हमको तकलीफ दे होता है कि उठेंगे फिर कहाँ जगह जाएंगे, तो अपनी मुश्किलें भी है तभी हम चालू रखें, चल रहा है चलने दो, तकलीफ भी सहन करेंगे मगर चेंज नहीं करेंगे। तो चेंज आप कहाँ कहाँ नहीं कर रहे हैं वो आप देखो अपने लाइफ में, ऐसे कम से कम 10 पॉइंट निकाल के लाओ कि हम वही कर रहे हैं। एक आदमी को मैंने पूछा कि आपका दुकान जो है, मतलब आप कितने साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैंने आप कितने साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोले मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं दुकानदार को पूछा कि आप ये कितने साल का एक्सपीरियंस है दुकान में, बोले मुझे 35 साल का एक्सपीरियंस है दुकान में, बोला हाँ 35 साल का एक्सपीरियंस दुकान में, बोले हाँ, बोला नहीं आपको 35 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एक साल का एक्सपीरियंस 35 बार है, एक साल का एक्सपीरियंस 35 बार है, आप तो वही वही तो काम कर रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं, 35 साल से वही माल बेच रहे हैं, वही कर रहे हैं, कुछ बदल नहीं किया। धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो दुकान धीरे 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 छोटा होते जा, आप बदलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम है। एम्बेसडर कार जो है, बोले एम्बेसडर कार
सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वापरते थे। एक जमाना ऐसा था कि मंत्री संतरी सब एम्बेसडर कार वापरते थे, आईएएस ऑफिसर एम्बेसडर कार वापरते थे। एम्बेसडर कार बोलती थी कि नहीं हम नहीं बदलेंगे, हमारा तो शाही शाही थाट है, फियाट बदले नहीं, एम्बेसडर बदले नहीं। आज दिखती भी नहीं एम्बेसडर, आज फियाट दिखती भी नहीं। और मारुति हर साल कम से कम 4-5 नए मॉडल लाएंगे। मोबाइल आपने देखा, मोबाइल फटाफट बदलते जाता है, हर हफ्ते में नया वर्जन आता है मोबाइल का, हर हफ्ते बदलते जाते हैं। तो जो कंपनी बदलती है वो तैर जाती है। कोडैक कैमरा, कोडैक फिल्म आती थी अपने कैमरे में डालने की, और वो कैमरे में हम फिल्म डालते थे, लेते थे खरीद के, फिल्म डालते थे कैमरे से, फोटो निकालते थे। कोडैक का नंबर एक का धंधा दुनिया में था, कहाँ चले गए मालूम ही नहीं पड़ा, क्यों कोडैक बदला नहीं। डिजिटल कैमरे आ गए, फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी, मर गए। नोकिया मोबाइल हम नहीं बदलेंगे बोले, दिखता ही नहीं अभी। एक जमाना था 90% मोबाइल का मार्केट नोकिया का था, दिखता ही नहीं। अभी सैमसंग दिखता है ज्यादा, अभी एप्पल दिखता है, एप्पल दिखता है, आईफोन दिखता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो है ये चेंज नहीं करते तो कितना नुकसान होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें से आपको क्या समझ में आ गया, किसको कुछ पूछना है ये प्रोग्राम के बारे में तो पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम बारे में पूछना है जो 10 हफ्ते का हम प्रोग्राम करेंगे। यस दद्दू प्रसाद बोलिए, अनम्यूट करो दद्दू जी। जी सर, मैंने देखिए अभी आपने जो बताया, मैं ये जानना चाहता सर कि अपने जीवन में जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है सर। किसी भी पर्सन को अपने व्यक्ति अपने लाइफ में बढ़ने के लिए चेंज बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सर इस चीज से मुझे। तो आप कहाँ कहाँ चेंज नहीं कर रहे बताओ, वो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ आप चेंज नहीं कर रहे अपने आप। जी सर, जी सर। अभी मैंने अभी जैसे कि बहुत कुछ सुना सर, मैंने जाना कि जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले मैं भी सोचता था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, वॉकिंग में जाता हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसे थोड़ा समस्या आ गई थी कि जब जगने की कोशिश करते बट जग ही नहीं पाते। जग नहीं पाते नहीं, मैं उठता नहीं हूँ, जिम्मेवारी लो। जी जी, जग नहीं पाते मतलब क्या हो गया, कोई तो भी आपको कंट्रोल कर रहा है? नहीं सर, जैसे कि आपने तो मैं नहीं उठ पाता, मैं उठता नहीं हूँ। जी सर, मैं उठता नहीं हूँ, जान बुझ कर उठते नहीं आप। जी सर, जी आपको मालूम है कि अलार्म लगा हुआ है, आपको मालूम है, तभी आप अपने आप को बोलते है जान दे बेटा दद्दू कल से चालू करें। जी सर, जी। अब सर जैसे कि नोट वाला बताया ना कि आप डेली नोट फाड़ के फेंकने, नोट फाड़ के, उससे सर बहुत समझ में आया मुझे कुछ लेस होता है सर। जी सर, जी धन्यवाद सर आपको, मैंने बहुत कुछ आपकी मीटिंग। आपको आदमी जो है ना, आदमी को फटके मारे सिवाय आदमी सुधरता नहीं है। जी सर, जी सर, आपको फटके मारो। जी सर, थैंक यू सर, मैं आपको फटके मारो। जी सर, रंजना जी बोलिए। रंजना, रंजना गुप्ता हमारी पार्टिसिपेंट पूना की। Yes, नमस्कार सर। सर आपको सुनना हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है और आप हमेशा नई नई नॉलेज। वीडियो बंद है आपका, वीडियो बंद चालू करो ना। सर आपसे बहुत नॉलेज मिलती रहती है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। और आज तो सर मेरे मिस्टर भी बैठे हुए हैं सुनने के लिए आपको, और उनको भी, उनको हर बात पे आपकी वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। तो सर इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। और दूसरी बात सर, इस आज अनफॉर्चुनेटली सर आज आपका लिंक नहीं मिला मुझे, तो इस टॉपिक अच्छा। के बारे में मुझे पता नहीं था तो और इससे पहले मैं अपनी बेटी को इसी सब्जेक्ट पे बात कर रही थी कि तू थोड़ा पंक्चुअल रहे। और सर अब मुझे लगता है सर एक बार और आपने इसको एक बार फिर से बताइए ताकि मैं उसको भी ये सब सुना सकूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, वही बात कर रही थी, वही टॉपिक मैंने लिया। जी सर, है ना। यस, आपको क्यों नहीं लिंक मिला, आप ग्रुप में नहीं क्या, स्ट्रेस फ्री ग्रुप में नहीं है? मैं हूँ ना सर, मैं हूँ सर। लिंक तो दिया है, लिंक है ना उसमें सर, मुझे नहीं मिला लेकिन वो ग्रुप में मिले होंगे। दोपहर को दे दी थी लिंक आज। हाँ अच्छा सर, पता नहीं कुछ कारण हो गया होगा सर। ओके थैंक यू। मैं सिर्फ ये टॉपिक मतलब ये 5 पॉइंट बताता हूँ। नंबर एक, लोगों का सुनो, सबका सुनो, सबका सलाह ले लो मगर करो अपने मन का, नंबर एक। नंबर दो है कि तुरंत एक्शन लेना चालू करो, एक्शन लेने के लिए टाइम मत लो, फटाफट चालू करो, प्रोक्रास्टिनेट मत करो,
नंबर तीन, टाइम इज मनी, समय बहुत मूल्यवान है। नंबर चार, जो है उसके प्रति कृतज्ञ रहो, ग्रेटफुल रहो, जो आपके पास में है उसके प्रति कृतज्ञ रहो। पांचवा, कितनी भी मुसीबतें आई, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, तभी भी हार मानने की नहीं है, खड़े रहने का है, आप उसमें बड़े हो जाएंगे। तो ये कोई मुसीबत आ गई, बोलना अरे यार मौका आ गया, अब तो मौका आ गया, अब तो मैं बड़ा बन जाऊंगा, है ना, अब तो बड़ा बन जाऊंगा मैं, डेफिनेटली ये मौका है मेरे लिए बड़ा बनने का, ठीक है ना, उसमें हारने का नहीं है। सुसाइड करना, डिप्रेशन में जाना, बिल्कुल नहीं। यस शारदा, शारदा जी बोलिए। सर मुझे ये बोलना है कि आपने जो चौथा पॉइंट बताया है कि कृतज्ञता जो आपके आप जो आपके पास है उसके प्रति आप कृतज्ञ रहिए, तो इस वजह से वो जो मैजिक का प्रोग्राम, उसमें तो मैं ये रोज सुनती हूँ और मेरी लाइफ में मैंने ये अप्लाई किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कृतज्ञ मैं जो चीज के बारे में रहती हूँ, तो मेरा जो ध्यान है, मतलब मेरा जो वो कंप्लेंट जोन में बिल्कुल नहीं रहता, और उसकी वजह से मुझे इतना इम्प्रूव लगता है लाइफ में, बहुत इम्प्रूवमेंट लग रहा है अभी। और ये मुझे, और दूसरा एक पॉइंट पांचवा जो बताया कि मुसीबतें और मुश्किलें आती रहती है, इस बारे में मुझे ये बताना है कि शिप जो रहता है वो हार्बर में बहुत ज्यादा सेफ रहता है, लेकिन वो उसके लिए नहीं बना है, वो जो जब समंदर में जाएगा, तूफान आएगा, वो फेस करेगा, तब उसको, उसके लिए वो बनाया है कि वो बाहर जाना, वो जहाज जो है वो पानी में रहना चाहिए, समंदर में रहना चाहिए, वैसे ही अपना लाइफ रहता है, ऐसे मुझे लगता है। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये आज के सब पॉइंट, बहुत ही बढ़िया है इसके, ये जो सब सीखते है ना, ये बहुत नया लगता है सब। और ये जो है ना, ये जो अभी अपन करने वाले हु मूड माय चीज, ये बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, तो आपको सबको लाओ, सब लोगों को लाओ, है ना। यस लास्ट डॉक्टर खान, पहली बार देख रहा हूँ इसलिए उनको अनम्यूट करता हूँ। डॉक्टर खान बोलिए। डॉक्टर साहब हाँ जी, वीडियो चालू कर लो ना। जी सर, वीडियो वीडियो मैं बोल भी पहली बार ही रहा हूँ। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग। सर मेरे क्या है कि ये जो टोबैको चेविंग की हैबिट है, वो मेरे से कभी खत्म नहीं, इस वक्त मैं हमेशा बस ये जितनी भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज करता हूँ, लेकिन फिर भी फेल हो जाता हूँ मैं, तो मुझे जब भी ज्यादा काम करना होगा तब मुझे लेना ही लेना है। बस मैंने आपको बोला ना, कोई भी हैबिट नहीं है कि मैं आपको चार दिन में छुड़ा देता हूँ, 2-3 हजार रुपए खर्चा है। जी जी, 2-3 हजार रुपए खर्चा लगेंगे, 500 के नोट फाड़ना है आपने, अभी तंबाकू खाया कि 500 के नोट फाड़ने का है, आगे कुछ नहीं करने का है, तंबाकू पूरी खाया कि 500 के नोट फाड़ना, बस बाकी कुछ नहीं करना है, करेंगे आज से नहीं। आज से अब खाना नहीं है। नहीं, नोट फाड़ना कि नहीं फाड़ना बोलो। नोट तो नहीं फाड़ना है, मतलब इरादा नहीं है आपके, इरादे ही पक्के नहीं है, इसका मतलब आपको छोड़ना ही नहीं है, इरादा ही पक्का नहीं है, फिर तो ये बोलने की बात हो गई, नहीं नहीं मेरे को है ना छोड़ना है, नहीं नहीं मेरे को छोड़ना है, बाहर से बोलना अलग है, अंदर से छोड़ना ही नहीं जी। और छोड़ना है तो 500 की नोट फाड़ो, ये तो बोलने की बात होगी बाहर से, इसको बोलते इनऑथेंटिसिटी। इनऑथेंटिसिटी मतलब अप्रामाणिकता। अप्रामाणिकता क्या है कि बाहर से बोलते एक, अंदर से चालू है अलग कार्यक्रम, बाहर से बोलते नहीं मेरे को तंबाकू छोड़ने का है, तंबाकू छोड़ने का है, अंदर से छोड़ना ही नहीं है, ये तो बोलने की बात है बाहर से, और छोड़ना है तो छोड़ो, 500 की नोट फाड़ो कल, नहीं तो बोलो मेरे को छोड़ना नहीं है भाई, मैं तंबाकू खाते खाते मरूंगा, मैंने मरने के बाद में भी मेरे मुंह में तंबाकू डालना पूरा ठोस ठोस के और बाद में जलाना, ताकि अपने को ऊपर जाएंगे तभी तंबाकू का स्टॉक मेरे पास में देना भैया, जाने के समय ऐसा लिख के रखो अपने मृत्यु पत्र। क्या करेंगे फिर, खाएंगे कि छोड़ दे, 500 की नोट फाड़ दे।
500 की नोट फाड़ देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। अब मतलब 100% छूटेगा सर? छूटेगा छूटेगा ना, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें कैंसर ज्यादा होता है, ज्यादा चांसेस है कैंसर होने के। तो आपको देखो जी। क्या है कि हम जो है अभी आप हमारा टाइम ज्यादा होते आ रहा है, मगर अभी आपने टॉपिक निकाला करके मैं बोल रहा हूँ। हम जो है मतलब आप मैं हम कौन है, हम लोग हमारे बॉडी के ट्रस्टी है, हमारे बॉडी के ट्रस्टी है ना, ट्रस्टी है, ट्रस्टी है। देखो आपके पास में व्हीकल है, हाँ है ना, कौन सा व्हीकल है, वरना है गाड़ी है ना, फोर व्हीलर जी, पेट्रोल की डीजल की है? डीजल सर, डीजल की गाड़ी है। आप वो डीजल भर के जाएंगे, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उसके बदले आप पेट्रोल डाल देंगे उसमें? नहीं, क्यों, गाड़ी खराब हो जाएगी, उसकी चिंता है गाड़ी की, डीजल गाड़ी है, पेट्रोल नहीं डाल। और अपनी बॉडी जो है जिसकी कीमत ही नहीं, वरना की कीमत है कम से कम कितनी की है, वरना 5-6 लाख की, 7 लाख, 5 लाख की होंगी। और 5 लाख की गाड़ी के लिए बोलते नहीं नहीं मैं पेट्रोल डालूंगा नहीं उसमें, और ये बॉडी आपकी अनमोल है, आपका हाथ दे रहे हैं आपको, आपका हाथ 50 लाख का लेवा ले, 50 लाख का हाथ देते रहना, नहीं दे देना, 50 लाख का लेवा ली है नहीं दे पाएंगे। और वो हाथ जो है, जो अनमोल है, उसके लिए आप कुछ भी करते रहते, उसकी केयर नहीं लेते, वो बॉडी की उसकी कीमत ही नहीं है कुछ। और 5 लाख की गाड़ी की बोलते नहीं पेट्रोल नहीं डालूंगा उसमें, बराबर डीजल डालूंगा, उसकी केयर लेंगे, उसको सर्विसिंग के लिए भेजेंगे, उसको सर्विसिंग करवाएंगे, और अपनी बॉडी की सर्विसिंग वो नहीं करेंगे। आपका वजन ज्यादा है वो कम नहीं करेंगे जी, वो नहीं कम करेंगे, उसकी केयर नहीं लेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड चलता है, कुछ नहीं होता। तो आप क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, तंबाकू खा रहे हैं, वजन बढ़ा है, इसका मतलब आप क्रॉनिक सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं आप, धीरे धीरे होने वाली आत्महत्या जी। एक दिन में आप नहीं मरेंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे जी। तो क्या करते, छोड़ दे कि जब खाते, इतना बोल दिया मैंने अभी नहीं, बस अब नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल मैं हाथ खड़ा करके बताऊंगा छोड़ चुका हूँ। ओके गुड, कहाँ से आप? मैं राजस्थान का पसंद से, राजस्थान से, चित्तौड़गढ़ यस, आना पड़ता वहां अभी, चित्तौड़गढ़ आना पड़ता, बिल्कुल पधारे हैं सर आप, यस ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, हमारा समय काफी बीत चुका है, ज्यादा समय लिया सर, एक मिनट सिर्फ, जैसा अपना आज का चौथा जो पॉइंट था ना सर, कृतज्ञता का, तो उससे हाँ। संबंधित आपका जो सुबह का कार्यक्रम चलता है, मैंने उसके डिटेल्स डाल दिए सर अभी अपने चैट बॉक्स में, जिनको चाहिए वो लिंक कॉपी कर सकते हैं अभी, जिनको भी चाहिए। और सवेरे कार्यक्रम में आओ, कल सवेरे मैं आपको मिलूंगा 6:30 बजे, जादुई सुबह, कल का टॉपिक है जादुई सुबह, उसके बारे में, ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मिलते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।